हाय फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी फ्रेंड रेखा और मेरे यूट्यूब चैनल रेखा फूड एंड लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो रिक्वेस्टेड रेसिपी है, ये मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट करी है। अगर आपको भी कोई रेसिपी रिक्वेस्ट करनी है तो आप मेरे चैनल में कॉमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है साबूदाने की खीर। बनाने में बहुत आसान होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पे क्लिक करिए और साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस करिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। तो चलो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर बनाने के लिए मैंने 4 कप मिल्क लिया है, जो मैंने फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है, क्योंकि हम खीर बनाते हैं तो फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करते हैं। 1 कप साबूदाना लिया है, इसको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये साबूदाना अच्छी तरीके से फूल गया है, ये बारीक वाला साबूदाना है। अगर मोटे वाला साबूदाना हम यूज़ करते हैं तो उसको 5 से 6 घंटे पहले भिगो के रखना पड़ता है। 1/2 कप मैंने शुगर लिए, ये ड्राई फ्रूट है, 10 से 15 बादाम है, 8 से 10 काजू है और 15 से 20 किशमिश है, 4-5 इलायची और 1 चुटकी कलर है। ये कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो या फिर इसकी जगह केसर भी यूज कर सकते हो, नहीं तो दोनों को अवॉइड कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर कलर लाना है खीर में। सबसे पहले दूध को गर्म करेंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें साबूदाना डालेंगे। देखिए उबाल आ चुका है दूध में, अब इसमें साबूदाना डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि साबूदाना दूध में अच्छे से उबाल आने के बाद ही डालना है, नहीं तो दूध फट जाता है। तो अच्छे से जब उबाल आ जाए उसके बाद ही हम इसमें साबूदाना डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। खीर बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। साबूदाना मैंने इसमें सारा डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया। हमें थोड़ी देर के लिए खीर को ऐसे हिलाते रहना है, करछी चलाते रहना है ताकि खीर में नीचे से चिपके भी नहीं और अपना जो साबूदाना है वो आपस में चिपके नहीं। इसमें मैंने 1 चुटकी कलर डाल दिया। कलर डाल देते हैं तो ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, बच्चे बहुत ही खुश होकर खा लेते हैं। और इसमें अब जो ड्राई फ्रूट लिए थे वो भी मैंने चॉप कर लिए हैं सारे। ये चॉप करे हुए ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट हम बचा के रखेंगे ताकि ऊपर से गार्निश करने के लिए हमें काम आएंगे। ये देखिए खीर कितनी जल्दी बन के तैयार होगी, 5 मिनट में ये खीर बन जाती है। खीर गाढ़ी होने लगी है, आप देख सकते हैं साबूदाना कितना अच्छे से फूल गया है। खीर बन के तैयार होगी, इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे और शुगर ऐड करेंगे। बिल्कुल घुल चुकी है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है, साबूदाना अच्छे से फूल चुका है। शुगर डालने के बाद हम इसको 1 या 2 मिनट तक और पकाएंगे और ऐसे हिलाते हुए ही पकाएंगे ताकि अपनी खीर नीचे चिपके नहीं तो नीचे से खीर चिपक जाती है। ये खीर बनके बिल्कुल तैयार है, देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है। हम इसको सर्विंग बोल में डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट अपन ने चॉप कर रखे हैं इनसे गार्निश करेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक